क्वेश्चन नंबर वन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर. वन माउस, टू जॉयस्टिक, थ्री प्रिंटर, फोर स्कैनर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईच आर द इनपुट डिवाइस. ए बोथ वन एंड टू, बी वन टू एंड थ्री, सी वन टू एंड फोर एंड डी ऑल ऑफ दिस. इसमें से हमें यह बताना है कि इन चारों इमेज में से कौन सा डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. वन टू एंड फोर्थ इज द इनपुट डिवाइस एंड फोर्थ स्कैनर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, दिस इज अ आउटपुट डिवाइस. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज हम सिल्वर जोन ओलंपियाड से क्लास थर्ड के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पेपर एंड सिलेबस देखेंगे. तो चलिए इसके क्वेश्चंस पेपर को पूरा देखने से पहले हम सिलेबस जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं. कंप्यूटर साइंस में हो जाता है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू विंडो 10, एमएस पेंट, एमएस वर्ड 2016, वर्ड पैड, इंटरनेट, नोट पैड. इन सभी चैप्टर से 14 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स हो जाते हैं. सो इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ मार्क्स जो हो जाते हैं यहाँ पर 28 हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट जो हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो 8 क्वेश्चंस इस सेक्शन से रहते हैं और टोटल मार्क्स 4 रहते हैं एंड टोटल 32 मार्क्स के ये पेपर्स हो जाते हैं. एंड स्कॉलर जोन जो कि अदर्स ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन से के नाम से जाने जाते हैं, इससे भी जो है हमारा ये ऊपर जो भी हमने सिलेबस देखा कंप्यूटर साइंस के, इसी सिलेबस से हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस किए जाते हैं, अर्थात डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन न करके क्वेश्चंस को घुमाकर किए जाते हैं. स्कॉलर जोन से 8 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल मार्क्स जो 5 रहते हैं, तो 40 मार्क्स के यहाँ पर स्कॉलर जोन से क्वेश्चन किए जाते हैं. इस प्रकार टोटल क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ 30 रहता है और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं. अब चलिए हम क्वेश्चंस पेपर पे चलते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पर आपको रहता है 40 मिनट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं. हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड. स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं. ए 97, बी 82, सी 104 एंड डी 136. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 104. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इंट्रोड्यूस्ड. अर्थात कौन से जनरेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था. ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन एंड डी फोर्थ जनरेशन. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया था. क्वेश्चन नंबर 4, इन विंडो 10 द फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर बूटिंग अप द कंप्यूटर इज कॉल्ड. विंडो 10 में फर्स्ट स्क्रीन जो हमें दिखता है आफ्टर बूटिंग करने के बाद, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो बूटिंग होती है उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है उसे हम क्या कहते हैं विंडो 10 में. चलिए इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं. ऑप्शन है हमारे बैकग्राउंड स्क्रीन, बी डेस्कटॉप, सी वॉलपेपर और डी होम पेज. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेस्कटॉप. विंडो 10 में फर्स्ट स्क्रीन जो है बूटिंग के बाद जो हमें दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू गेट डॉलर साइन यू शुड प्रेस. डॉलर साइन जो कीबोर्ड पर हमें दिखता है उसे हमें प्रेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करना होता है. ए शिफ्ट प्लस 3, बी शिफ्ट प्लस 4, सी शिफ्ट प्लस 5 या डी शिफ्ट प्लस 6. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस 4. शिफ्ट प्लस 4 को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा डॉलर साइन लिखा जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सा है, ए एंटर, डी स्पेस बार, सी बैक स्पेस, डी टैब्स की। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्पेस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 डैश इज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस दैट अलाउ टू यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। सेकेंड, द डैश इज ए स्मॉल डिवाइस यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। एंड सी, अ डैश इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज पॉइंटर स्टिक एंड इनपुट बटन ऑन इट। इसमें से ये ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें फिलअप करना है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी, कीबोर्ड। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ए में हो जाता है कीबोर्ड इज द टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस दैट अलाउ टू यूजर टू इंटरैक्ट विथ द कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है जो यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, जोड़ता है। बी माउस, द माउस इज द स्मॉल डिवाइस यूज टू पॉइंट द पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। माउस एक स्मॉल डिवाइस होता है जो पॉइंट के द्वारा पर्टिकुलर स्क्रीन पर पॉइंट करता है। एंड थ्री जॉयस्टिक, अ जॉयस्टिक एज इनपुट डिवाइस कंसिस्ट अ लार्ज पॉइंटिंग स्टिक एंड इनपुट बटन ऑन इट। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो लार्ज पॉइंट स्टिक करता है एंड इनपुट बटन ऑन होते हैं इससे, तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, व्हाट इज द कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो उसे बूटिंग कहते हैं, तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है, व्हाट इज द कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग क्या है। ए स्टार्ट द कंप्यूटर फर्स्ट टाइम बाय मेन स्विच, जब पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है मेन स्विच से। बी रीस्टार्ट द कंप्यूटर बाय कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट की। सी स्विच ऑन द बटन ऑन द मॉनिटर। एंड डी स्विच ऑन द पावर स्विच ऑन सीपीयू। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्विच ऑन द पावर स्विच ऑन सीपीयू। जब सीपीयू का पावर स्विच ऑन किया जाता है उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, स्विच ऑन द पावर स्विच ऑन सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट फिगर डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। ए बी सी डी में से कौन सा एक अदर फिगर है जो तीन फिगर से डिफरेंट शो करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट विच फिगर डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंट, तो इसमें से अभी हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, बिकॉज यहाँ पर देखिए सब जगह ये डॉट जो है स्टार के अंदर दिया गया, जहाँ पर ये डॉट जो है ये कॉर्नर पर ना देखे इसके अंदर बीच वाले राउंड में दिया गया है, तो दिस इज द ऑड वन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट एंड क्लास फर्स्ट टू एट्थ क्लास के वर्कशीट एंड एग्जामिनेशन से तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।